सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मई 2016 में भारतीय सेना के केंद्रीय आयुध डिपो पुलगांव में विस्फोट के दौरान शहीद और घायल हुए जवानों को रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी राहत दी है और उन्हें अब बैटल कैजुअलिटी की श्रेणी में रखा है। तो इसका फायदा उन सभी शहीदों के जो परिवार और शहीदों को मिलेगा, क्योंकि अब इसका फायदा उन्हें उनकी पेंशन, ग्रेचुटी और एक्स ग्रेसिया जो कंपनसेशन है उसमें इसका फायदा मिलेगा। तो इसके लिए 31 मई 2018 को रक्षा मंत्रालय की तरफ से तीनों ही सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनको एक लेटर लिखा गया है और इसमें इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि सेंट्रल एम्यूनिटेशन डिपो पुलगांव में 31 मई 2016 को हुए विस्फोट के दौरान शहीद और घायल जो जवान हैं उन्हें बैटल कैजुअलिटी की श्रेणी में रखा जाएगा और इसके लिए उन्हें लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन एक्स ग्रेसिया कंपनसेशन जो कि 31 जनवरी 2001 के जो आदेश है रक्षा मंत्रालय का उसके अकॉर्डिंग माना जाएगा और उनको इसका फायदा दिया जाएगा। तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा 31 मई 2016 को पुलगांव आयुध डिपो में एक बड़ा विस्फोट हुआ था और इस विस्फोट के दौरान लगभग 19 जवान शहीद हो गए थे और लगभग 17 जो मिलिट्री जवान थे वो बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनके जो परिवार वालों ने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था रक्षा मंत्रालय से कि ये जो सभी कैजुअल्टी हुई हैं वो ड्यूटी के दौरान हुई हैं और इन्हें बैटल कैजुअल्टी माना जाए, जिसकी वजह से वो सभी जो जवान हैं उनके परिवार वालों को और जो घायल जवान हैं उनको भी बैटल कैजुअल्टी के अकॉर्डिंग जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिल सकें। तो रक्षा मंत्रालय ने इसको अब एक्सेप्ट कर लिया है और ऐसे सभी जो जवान जो कि पुलगांव विस्फोट के दौरान शहीद और घायल हुए थे उन्हें अब बैटल कैजुअल्टी माना जाएगा और इसका फ़ायदा उन सभी जवानों को उनकी जो कंपनसेशन है, पेंशन है, ग्रेचुटी है उसमें इसका लाभ मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा ये फैसला लिया गया रक्षा मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि वो जो सभी जवान थे वो अपनी ड्यूटी पर थे या फिर जो भी आयुध डिपार्टमेंट जो डिपो है उसमें अपना काम कर रहे थे और उसमें लगभग 1.5 लाख के आसपास किलोग्राम जो विस्फोटक था उसमें आग लग गई थी और इसकी वजह से ये जवान बुरी तरह से घायल और शहीद हो गए थे। तो उन सभी जवानों के परिवारों के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें अब कम से कम कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, उन्हें अब बैटल कैजुअल्टी माना जाएगा तो इसकी वजह से उन्हें अब जो भी पेंशन है, ग्रेचुटी है, क्योंकि एडमिसिबल है 31 जनवरी 2001 के आदेश के अनुसार उसके अकॉर्डिंग सारे जो बेनिफिट्स हैं उन्हें दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही कि पुलगांव विस्फोट के दौरान शहीद हुए और घायल हुए जवानों को बैटल कैजुअल्टी यहाँ पर मान लिया रक्षा मंत्रालय ने और उसके अकॉर्डिंग उन सभी जवानों की पेंशन, ग्रेचुटी और एक्स ग्रेसिया जो कंपनसेशन है उसका भुगतान उन्हें किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और नया वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।